हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। तो आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने लिया है जो पैकेट वाला आटा आता है चकली बनाने का, वही हमने यहाँ पैकेट लिया है। तो सबसे पहले पैकेट को हम एक थाली में बड़े से बर्तन में साटे को निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इसमें डालेंगे हम तेल। तो हमने रिफाइंड तेल डाला है। तेल को पहले इस आटे में अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से पहले हमें तेल को इसमें अच्छे से मिलाना है, उसके बाद ही हमें आटे को गूंथना है। तो हमने आटा गूंथने के लिए हल्का गर्म पानी लिया है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को गूंथ लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ देखिए हमें इस तरीका का आटा गूंथ करके तैयार करना है, ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट आटा गूंथना है। तो यहाँ देखिए आटा हमारा अच्छे से गूंथ करके तैयार हो गया है। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ी देर बाद हम आटे को चेक कर लेंगे, तो देखिए आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अभी हमने चकली बनाने के लिए मशीन ली है। तो पहले हम मशीन में जितना मशीन में आटा आएगा उतना हम इसमें डाल लेंगे इस तरीके से। तो पहले आप मशीन को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लें, उसके बाद ही आप इसमें आटा को डालें। तो हमने पहले ही मशीन में तेल लगा लिया था। तो इस तरीके से देखिए हमने आटे को डाल लिया है। आटा डालने के बाद में हम मशीन को बंद कर लेंगे इस तरीके से। और यह हम किसी भी एक पेपर के ऊपर इस तरीके से चकली बना लेंगे। तो आप नीचे कोई भी पेपर रख ले इस तरीके से, फिर इसके ऊपर इस तरीके से चकली बना ले। तो इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाती है और अच्छी सी डिजाइन भी बन जाती है। आप चाहे तो इनको डायरेक्ट कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी सी हमारी चकली बन करके तैयार होगी। तो यहाँ देखिए हमने इसी तरीके से सारी चकली बना करके तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट, अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ देखिए हमने इस तरीके से सारी चकली बना करके तैयार कर ली है। अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए पहले हम तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें चकली को डाल देंगे। तो इस तरीके से एक चकली उठा करके इस तरीके से हम तेल में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है चकली बनाना और कितने सिंपल तरीके से आज हमने चकली बना करके तैयार की है। तो जितनी कढ़ाई में आएंगी उतनी हम इसमें चकली को डाल लेंगे और इनको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी चकली फ्राई हो गई हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से जो बाकी की बची हुई चकली है उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तरीके से आप भी एक बार दीपावली पे ज़रूर से बना करके ट्राई करना, आपको भी बहुत ही अच्छी लगेंगी।